इस वीडियो में हमने सिर्फ साउथ एक्टर्स की हिंदी उसके बारे में बताया है। ये वीडियो किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, तो कमेंट सेक्शन को सब्जी मंडी ना बने। बतौर अभिनेता पहली हिंदी फिल्म कब रिलीज हो रही है आपकी? तेलुगु फिल्म रिलीज होगा वो हिंदी में। कुछ लिंग इधर उधर हुआ तो माफ कर देना, कुछ भी बोला थोड़ा प्यार से लेने का। वेलकम टू फिल्मी बाजार। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी जिस पर आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला था, तो उसके लिए दिल से गुर्दे से फेफड़े से बहुत बहुत धन्यवाद। उस वीडियो में हमने उन साउथ इंडियन एक्टर्स की बात की थी जिनको हिंदी बोलना आता है, फॉर एग्जांपल अल्लू अर्जुन जूनियर, NTR, रॉकिंग स्टार यस, और ऐसे कई एक्टर्स को हमने उस वीडियो में मेंशन किया था। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर की थी। अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन पर इसे थोड़ा मार दीजिए, हाथ आप थोड़ा सा मार दीजिए। सो मेरा नाम है रुत कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आपको उन साउथ इंडियन एक्टर्स के बारे में बताऊंगा जिनको हिंदी बोलना आता है और जिनकी हिंदी सुनकर आपका रिएक्शन शायद ऐसा हो सकता है, अच्छा हमको सिखा दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें आगे बढ़ने का मौका दें ताकि हम आपको शिकायत का मौका ना दे सकें। नंबर वन, विजय देवराकोंडा। ज्यादातर इनकी फिल्मों में आपने संकेत महात्रे सर की वॉइस को ही सुना होगा, पर विजय देवराकोंडा की असली वॉइस जनगणमन मोशन पोस्टर लॉन्च के दौरान सुनने को मिलती है। हिंदी में बात किया तो मेरा स्त्रीलिंग पुल्लिंग इधर उधर हो जाता तो जब मैं आपको कुछ आंसर दूंगा, कुछ लिंग इधर उधर हुआ तो माफ कर देना, कुछ भी बोला थोड़ा प्यार से लेने का। पहले आप सभी को नमस्ते। मैं कभी आपके भाषा में कुछ काम नहीं की, पर आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दी एंड आई फील हैप्पी टू बी हियर। और इससे पहले उनकी वॉइस एक इंटरव्यू के दौरान सुनने को मिलती है। कैन वी हैव वन डायलॉग फ्रॉम अर्जुन रेड्डी प्लीज सर? अरे 2 साल हो गया भाई, किधर याद में रहेगा? मैं रोज बैठ के पिक्चर नहीं देखता हूँ अर्जुन रेड्डी को लूप में। तुम कुछ बोलो, मैं बोलूंगा। कुछ याद करो, मुझे याद करो। ओ यार, तुम शायद कबीर सिंह का डायलॉग बोल रहे दोस्तों। जनगणमन फिल्म को 23 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया जाएगा जिसको पूरी जगन्नाथ डायरेक्ट कर रहे हैं, पर इससे पहले हमें लाइगर देखने को मिलेगी जिसको 25 अगस्त 2022 को पैन इंडियन लेवल पर रिलीज किया जाएगा। और इस फिल्म से विजय देवराकोंडा बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाले हैं। जल्द ही लाइगर फिल्म का ट्रेलर आने वाला है। नंबर 2, राणा दुग्गपति। इनकी हिंदी डब फिल्मों में ज़्यादातर मनोज पांडे की वॉइस को ही आपने सुना होगा और इन भाई साहब की वॉइस इतनी सूट होती है कि साउथ मूवी लवर्स को राणा दुग्गपति की ही रियल हिंदी वॉइस लगती है, फॉर एग्जांपल बाहुबली में भल्लाल देव की। तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं सच में हैरान हो जाता हूँ कटप्पा। तुम्हारे मन में मेरे लिए कितना द्वेष है ये मैं जानता हूँ, फिर भी अपने प्राण संकट में डालकर मेरी रक्षा कर दिया, कैसे कटप्पा। राणा दुग्गपति की रियल हिंदी वॉइस बाहुबली 2 और हाथी मेरे साथी फिल्म के हिंदी इंटरव्यू के दौरान सुनने को मिलती है। बाहुबली 3 का भी प्लान है, आपने सुना सर? जी, मैंने कहीं सुना है कि ट्रायलॉजी जैसी चीज हो रही है कुछ? नहीं सर, ये फिल्म तो खत्म होने वाली है, ये कहानी खत्म होने वाली है, बट ये वर्ल्ड जो है, ये बाहुबली की जो वर्ल्ड है, इट्स आउट इन मेनी मेनी डिफरेंट मीडियम। तो बुक जो लॉन्च हुआ है, देयर इज अ VR फिल्म, देयर इज एनिमेटेड सीरीज, देयर आर कॉमिक बुक्स, एंड देयर बी मेनी अदर वेज देयर दिस द वर्ल्ड ऑफ बाहुबली एंड द किंगडम ऑफ महिष्मति विल बी ट्रैवलिंग। जी सब बोलने में प्रॉब्लम था सर, तेलुगु कैसे हुआ? सर जी मैं हिंदी बोल लेता हूँ, तमिल भी बोल लेता हूँ, बट क्या है ना, सोच जो है वो सिर्फ अंग्रेजी में और तेलुगु में। And Prabhu sir is a director who gives you a script, but that does not mean anything. You can learn all that and come, but he'll change everything on. नंबर 3, आदिविशेष। आदिविशेष की नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा फैन फॉलोइंग तो नहीं है, ये सिर्फ बाहुबली द बिगनिंग, गुड़चरी और शनम फिल्मों से हम इन्हें जानते हैं, पर इनकी हिंदी वॉइस हमें मेजर फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान सुनने को मिलती है। In this film as a Kohinoor diamond. और जब कोहिनूर डायमंड को हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे बेचने की कोशिश करते हैं, इवन इफ वी आर ट्राइंग टू सेल इट फॉर 1 रुपी और 10 रुपीज़, लोग शायद बोलेंगे यार ये नकली, हम खरीदना नहीं चाहते। बट वही कोहिनूर डायमंड को हम तनिष्क शोरूम में हम रखें,
शायद 200 करोड़ का ऑक्शन भी लग जाए. सो महेश सर इज द तनिष्क शोरूम फॉर अस. नंबर 4 महेश बाबू. सभी साउथ मूवी लवर्स ने महेश बाबू की हिंदी डब फिल्मों में संकेत महात्रे सर की वॉइस को ही सुना होगा और इन भाई साहब की हिंदी वॉइस इतनी सूट होती है कि साउथ मूवी लवर्स को महेश बाबू की ही रियल हिंदी वॉइस लगती है. भूख लगी है कहने पर कोई खाना नहीं देता सर, वही 1000 रुपए के मोबाइल में 20 रुपए का सिम डालकर एक धमकी देने पर सामने वाले की बच जाती है सर, और वो करोड़ों रुपए निकाल कर देता है. मैं इसी मकसद से आया हूँ, इस पूरी मुंबई पर हुकूमत करने आया. पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहीं भी कभी भी हिंदी नहीं बोली, पर मेजर फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान उनकी हिंदी सुनने को मिलती है. बतौर निर्माता आपने पहली हिंदी फिल्म बना ली है, बतौर अभिनेता पहली हिंदी फिल्म कब रिलीज हो रही है आपकी? तेलुगु फिल्म रिलीज होगा वो हिंदी में. जबकि उस इवेंट के दौरान कुछ हिंदी मीडिया रिपोर्टर्स को भी बुलाया गया था और इस इवेंट के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी स्पीच दी थी जो कंट्रोवर्सी बनी. इट वाज वेरी सिंपल फॉर मी सर, आई मीन आई डोंट नो इफ आई साउंडिंग एरोगेंट बट आई डिड गेट अ लॉट ऑफ ऑफर्स इन हिंदी बट माय सिंपल थिंग इज आई डोंट थिंक दे कैन अफोर्ड मी इन हिंदी सर. सो दैट्स द रीजन आई कांट वेस्ट माय टाइम बिकॉज़ द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट आई गेट हियर, द काइंड ऑफ स्टारडम आई हैव हियर. So I've never really thought of going, you know, leaving my industry to another industry. And I always thought that when you do films here, you know, it will become bigger. And so my belief, you know, is becoming true now. And there cannot be a more happy person than me. हालांकि महेश बाबू को हिंदी बोलना आता है और वो हिंदी को अच्छे से समझ लेते हैं. नंबर 5 थलाइवर रजनीकांत. इनके ज्यादातर हिंदी डब फिल्मों में डबिंग आर्टिस्ट सोनू पाहुजा और मयूर व्यास की वॉइस को ही हमने सुना है और इनकी आवाज इतनी सूट होती है कि रजनीकांत सर की रियल वॉइस ही लगती है. पर थलाइवा की ऑफिशियल हिंदी वॉइस दरबार फिल्म के प्रमोशन के दौरान सुनने को मिलती है. सो जो डायरेक्टर का वो इमेजिनेशन है, विजुलाइजेशन है, या डिफरेंटली मुझे डिफरेंट दिखाना है कैरेक्टर. मैं इसमें लास्ट में पर्टिकुलरली वो आई एम ए बैड कॉप, सो दैट इज होल कम्प्लीटली वो कैरेक्टर ही वैसा है. सो वेरी आई मीन. और इतना ही नहीं, ये मराठी को अच्छे से समझ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं. वाला मराठी में बोलता हूँ, ये मराठी का है, बेलगाम से मराठी है. मराठी बोलतो ते मला मराठी पिक्चरला एक काम करा, एक बार मुझे एक चांस एक आला. वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताएं कि आपको कौन से एक्टर की हिंदी सबसे अच्छी लगी और आप किस एक्टर की हिंदी वॉइस सुनना चाहते हैं, वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं ताकि हम फ्यूचर में वीडियो ला सकें. वीडियो को आखिर तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद.